और चीन ने एक बार फिर भारत को इंतबाही अंदाज में कहा है कि लद्दाख इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए भारत वहां अस्करी तामीरात से बाज रहे। ये इकदाम कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकता है। बगल में छुरी मुंह में राम राम, भारत हमसायों को धोखा देने की रविश से बाज ना आया। चीन के साथ मुजाकरात के दौरान लद्दाख में अस्करी तामीरात पर चीन ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी। मुतनाज़े इलाके लद्दाख में भारतीय तामीरात पर चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भारत को सख्त अल्फाज में तंबीह करते हुए कहा था कि भारतीय दोगली पॉलिसी से बाज रहें। भारत अस्करी तामीरात के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है, जबकि हालिया मुजाकरात में तय पाया था कि दोनों फरीक सरहद पर ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज करेंगे जो कशीदगी बढ़ाने का बायस हो। खबर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय फौज पहली बार लद्दाख की सरहद पर सर्दियां गुजारने की तैयारियां कर रही है, जहाँ चीनी फौज से ज्यादा मौसम की शिद्दत इनके लिए मोहलिक साबित हो सकती है।